हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कनारा बैंक के द्वारा अप्रेंटिसशिप भर्ती यहाँ पर निकल गई है। ग्रेजुएट अगर आप पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इसमें अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ये जो है लिंक दिया हुआ है यहाँ पर इस वेबसाइट का, यहाँ से जो है आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन होता है वो आप करेंगे। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और नोटिफिकेशन का भी जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर जो है 18 सितंबर से जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो आप लोग जो है 4 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है। अब इसमें डिटेल ऑफ ट्रेनिंग सीट, यानी कि आपको कितना यहाँ पर सीट रहने वाला है, उसके बारे में जो है बताया गया कौन से स्टेट में जो है यहाँ पर कितना कितना है वो आपको बता रहा है। फिर यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज भी है। इसमें रहेंगे तो आप लोग जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वहाँ का जो है आपको लोकल लैंग्वेज ही बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, तो वहाँ का तेलुगु और उर्दू जो है आपका आना चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जब आपका यहाँ पर टेस्ट होगा तो उसमें जो है आपका तेलुगु और उर्दू वगैरह भी आपको शायद पूछा जाएगा। इसमें नहीं तो नंबर ऑफ़ सीट जो है यहाँ पर 200 जो है, ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट है। SC ST वालों के लिए भी 32, ST वालों के लिए भी 14, और फिर OBC वालों के लिए भी 54 है, PWS वालों के लिए 20 है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो UR वालों के लिए, जनरल वालों के लिए भी 80 जो है यहाँ पर पोस्ट है। अब आउट ऑफ विच जो है यहाँ पर आप लोगों को बताएं। इस तरीके से यहाँ पर आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, दादरा एंड नगर, ठीक है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सब जगह से जो है यहाँ पर भर्ती निकल रही है। इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। जहाँ से अप्लाई करेंगे तो वहाँ का जो है आप लोगों को जो है ना लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेघालय से अप्लाई करें तो वहाँ का आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश, गारू, खासी जो है यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है। अब टोटल जो है यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि नंबर ऑफ़ सीट जो है टोटल जो है यहाँ पर 3000 पदों पर जो है भर्ती निकल रही है, ठीक है। अब एब्रिविएशन का क्या यूज़ करके वो आपको बोला गया, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो नेशनलिटी, अगर आप इंडिया, नेपाल, भूटान से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर एलिजिबल, अब यहाँ पे एज लिमिट भी आपको बताया गया कि मिनिमम एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 28 साल आपको चाहिए, ठीक है। अब रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट में जो है आपका, अगर आप SC ST से है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। फिर OBC NCL से है तो 3 साल। फिर विकलांग पर्सन है तो 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन, ठीक है, आपको दिया गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन पास है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपका जो है मांगा गया है विथ एविडेंस। फिर यहाँ पर फिजिकल मेडिकल, मतलब फिजिकल मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो आपका होगा, फिर आपको नोट है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपका रिजर्वेशन भी बताया गया। फिर जो है अदर टर्म्स एंड कंडीशन, आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है 1 ईयर, यानी कि 1 साल आप इसमें काम करेंगे। तो आपका प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो है, द वन जॉब ट्रेनिंग विल बी इम्पॉर्टेंट टू द कैंडिडेट एट द सिलेक्टेड ब्रांच एज पर कोर्स सर्कुलम। जहाँ से अप्लाई करेंगे वहीं पर जो है आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। प्रोफाइल जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना स्टीपेंड आप कितना मिलेगा, ठीक है, वो आपका 15,000 रुपये जो है पर मंथ आपको मिलेगा। अब इसमें आवर्स वर्क जो है कैसा रहेगा, आवर वर्क ऑन जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप शैल बी इम्पॉर्टेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब ओवर टाइम, ठीक है। फिर लीव आपको कितना मिलेगा, लीव आपको बोलेगा अप्रेंटिसशिप शैल बी एंटेड टू 1 कैजुअल लीव ऑन कंप्लीशन फॉर 1 मंथ ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड टोटल ऑफ 12 CLS इन अ ईयर। अब हॉलीडे, जिसके बाद कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, फिर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप शैल टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ट्रेनिंगशिप ट्रेनिंग, ठीक है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन है। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आप इस वेबसाइट से करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से रहेगा, आप जो है इस वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। फिर जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन फॉर द एलिजिबल फॉर द ट्रेनिंग सीट एंड इन्फॉर्मेशन फिनिश्ड वन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आपका यहाँ पर कैसा रहेगा वो आपको बोला गया। एप्लीकेशन फ़ी जो है SC ST और विकलांग पर्सन के लिए कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दी है, और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट बचे हैं उनको जो है 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बोला गया है, ठीक है। फिर हाउ टू अप्लाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। अब प्री रिक्वेस्टेड फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन, आपको जो है ना बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड
स्कैन फोटोग्राफ आपको कितना देगा, 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोसीड्यूर फॉर द अप्लाइंग गाइडलाइंस आपको बोला गया, जिस वजह से जो है बहुत से लोग का जो है ऑनलाइनेशन जो है फेल हो जाता है, कैसे हो जाता है आपको बोला गया, आपको जो है फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, आपका जो है ना हाल ही का जो है फोटोग्राफ रहना चाहिए, ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ जो है नहीं रहना चाहिए। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद अ रिलैक्स्ड फेस, रिलैक्स्ड फेस यानी कि आपको कैमरा की तरफ ही देखना है फोटो जो है क्लिक करते वक्त, ठीक है। इफ़ यू हैव टू फ्लैश इंश्योर देयर इज़ नो रेड आई, मतलब आप फ्लैश जो करेंगे तो आपका जो है ना आँख जो है मतलब रेड नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको बोला गया। आप कैप्स हेड वगैरह जो है नहीं पहन सकते फोटो क्लिक करते वक्त, आप जो है डार्क ग्लासेस भी जो है यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर डिमेंशन जो है आपको बोला गया, फिर साइज़ ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB, 20 से 50 KB के बीच में जो आपका फ़ोटो रहना चाहिए, ठीक है, ये बोल दिया गया। आपका सिग्नेचर के लिए जो है थोड़ा बहुत जो है आपको टिप्स वगैरह दिया गया है यहाँ पर। फिर मोड ऑफ़ पेमेंट जो है आप कैसे कर सकते हैं, मोड ऑफ़ पेमेंट के लिए हैव द ऑप्शन ऑफ मेकिंग द ऑनलाइन द पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फीस, ठीक है, ऑनलाइन आप मोड में जो है इसमें पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि जो भी अनाउंसमेंट होगा वो इस वेबसाइट पर होगा, कनाडा बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑथोराइज वेबसाइट पर होगा, जिसका लिंक जो है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, मतलब कनाडा बैंक का ही वेबसाइट है, यहीं पर जो भी अनाउंसमेंट रहेगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, बाकी जो है स्टेट वाइज वैकेंसी है आपको बताया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट में जो है स्टेट वैकेंसी कितना है, ठीक है, ये आपको बोला गया। अब जो है यहाँ पर ये था कनाडा बैंक की तरह अप्रेंटिसशिप जो है भर्ती निकाली गई, इसमें सैलरी आपका 15,000, ग्रेजुएशन पास है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर जो है अप्लाई करने पर वीडियो ज़रूर लाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।